नहीं, ही इज अ सुपर्ब ह्यूमन बीइंग एंड सुपर्ब गाय, जिन्होंने ये अवार्ड अरेंज किया है। और मुझे खुशी है कि पहली फिल्म के बाद मेरा दादा साहब के साथ नाम जुड़ रहा है, उनका अवार्ड मिल रहा है। और कल्याण जी जो इतना मेहनती इंसान है, जो काफ़ी मेहनत करता है और बहुत जीरो लेवल से यहाँ तक पहुँचा है, तो मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत शुभेच्छा एंड हार्दिक बधाई। उन्होंने ये थर्ड अवार्ड कर लिया है, तो आगे भी वो इसी तरह से अवार्ड करते रहेंगे। और मुझे खुशी है कि दादा साहब फाल्के का अवार्ड मुझे मिला है। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड जल्दी ही न्यूज़ आ जाएगी, मेरा नेक्स्ट मेरी नेक्स्ट फिल्म अनाउंस होने वाली है उसकी। नहीं, भूज का अच्छा रिस्पांस रहा, ज़बरदस्त रहा, और हॉटस्टार पे अभी तक सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म बनी है। सारे OTT प्लेटफॉर्म में भूज सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म है। नहीं, कंपैरिजन तो नहीं हो सकता OTT का थिएटर का, क्योंकि थिएटर का अपना अलग मज़ा है और OTT का अलग मज़ा है। लेकिन ये भी एक सच्चाई हो चुकी है कि अगर आपके पास थिएटर नहीं है तो आप OTT पे रिलीज़ कर सकते हो, लेकिन अगर पिक्चर थिएटर एंड OTT में एक साथ होती है तो उसका अलग ही मज़ा है। बहुत ही ज़बरदस्त, अजय सर ने बहुत सपोर्ट किया, बड़े भाई की तरह हेल्प की, संजय दत्त सर, सोनाक्षी सब ने बहुत सपोर्ट किया, तभी तो मेरी पहली फिल्म इतनी बड़ी बन पाई और टाइम टू टाइम रिलीज़ हो पाई। मतलब कोविड के बावजूद भी हमने रिलीज़ कर ली फिल्म जो हमने तय किया था, हालांकि एक साल पहले की डेट थी लेकिन कोविड की वजह से एक साल बाद रिलीज़ हुई। थैंक यू वेरी मच।